ठीक है, शीट नंबर 107 पे थे हम, इलास्टिसिटी। इसके कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, ये सारे क्वेश्चंस हमने किए और काफ़ी लोगों ने डाउट पूछा क्लास के बाद कि ये एरिया अंडर रूट ऑफ A1 A2 कहाँ से आया। मैंने कहा था अभी इसको याद करना है, कहाँ से आया आने वाले टाइम में बताऊंगा मैं। इसके बाद इस शीट के अंदर ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपके पास एक वायर है, ये वायर है जिसकी लेंथ 2L है, जिसका क्रॉस सेक्शन जो रेडियस है, इसका जो क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है वो R है, R रेडियस की वायर है। यानी कि अगर ये वायर है, ये इसका रेडियस R गिवन है, यहां से इसकी लेंथ 2L है। आपने क्या किया, इसको खींच दिया नीचे से, d डिस्टेंस खींचा सच दैट ये वायर लंबी हो गई। कितनी लंबी हो गई, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। तो यानी कि ओरिजिनल लेंथ कितनी थी वायर की, 2L। अब नई लेंथ क्या हो गई, ये नई लेंथ हो गई कितनी, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विल गिव 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो चेंज इन लेंथ क्या हो गई, न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। ठीक है यहां तक। अब आपको इसमें टेंशन निकालनी है, क्योंकि आपने वायर को खींच दिया, वायर टाइट हो जाएगी, टाइट होगी तो इसका मतलब आपको टेंशन टी निकालनी है। तो ये कंडीशन गिवन है, डी इज वेरी मच लेस देन एल, डी बहुत छोटा है एल के मुकाबले। जब ये चीजें गिवन होती है ना, वेरी मच लेस देन एल, इसके दो मतलब होते हैं, या तो वो क्वेश्चन के अंदर स्मॉल डी को निग्लेक्ट करवाएगा एज कंपेयर टू एल, या फिर बाइनोमियल यूज करेगा, दो चीजें होती हैं। तो आप इसमें टेंशन निकालना चाहते हैं, टेंशन फोर्स है, यंग्स मॉडुलस इज फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टेंशन एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, डेल्टा एल को वहां से उठा के यहां पुट कर दिया, तो ये आपके पास टेंशन की वैल्यू आ गई। कायदे से तो ये आपका आंसर आ चुका है, टेंशन का टी हो चुका, ठीक है टी डन। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव के अंदर देखेंगे, मेरी ऑब्जेक्टिव शीट के अंदर भी सेम क्वेश्चन था, उसमें आपको ना ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई ऐसे करना पड़ेगा कि आप यहां से कॉमन निकालेंगे, इसको लिखेंगे रेज टू पावर हाफ, एक ही बात है, यहां से 2 कॉमन आ गया। अब इस टर्म में से कैपिटल एल स्क्वायर को कॉमन निकाला जाए, कैपिटल एल स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा एल, ये टर्म क्या हो जाएगी 1, ये क्या बनेगा डी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस एल, तो ये टर्म आएगी। और क्योंकि स्मॉल डी इज वेरी मच लेस देन एल, तो इस केस में बाइनोमियल लग सकती है मैथ्स की, तो बाइनोमियल के अकॉर्डिंगली हाफ को इससे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो यहां से 1 और 1 कैंसिल, तो सॉल्व करके आपके पास ये टर्म आएगी। तो ये टर्म आ गई, और आप इसमें एरिया को पुट कर सकते हो, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, तो यहां से ऑप्शन मिलेगा जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसके अंदर ये क्वेश्चन था जिसका ये आंसर था, इसको करने का ये तरीका है। तो आपको अब ये क्वेश्चन करने के बाद ये फील आएगा कि यहां तो मैंने बता दिया, मुझे कैसे पता लगेगा कि ऐसा भी कुछ करना था, मैं ज्यादा से ज्यादा जोर लगाऊंगा तो यहीं तक तो निकाल सकता हूं, इसके बाद के स्टेप्स थोड़े से मुश्किल लगते हैं, मैं शायद वहां ना सोच पाऊं। तो कोई बात नहीं, सभी को लगता है, मेरे को पहली बार ये लगता था, फिर अब मुझको ये वायर वाला क्वेश्चन दोगे ना, मेरे को याद हो गया कि इसको ऐसे ही करना है। तो इसको प्रैक्टिस बोलते हैं, इसीलिए करवाए जाते हैं कि एक बार आपने देख लिया, नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कुछ आएगा तो आपको थोड़ा सा आपका ब्रेन वैसे ही काम करेगा और अपने आप आंसर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये ना सोचेंगे कैसे पता लगेगा, आज पता लग गया तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे, कोई बात नहीं उस टाइम पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहाँ तक, प्रोवाइडेड मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए, कुछ अलग आ जाए तो उसमें फिर टाइम लगेगा थोड़ा सा, ऐसे 8-10 क्वेश्चन जब आएंगे एक साल में, अपने आप ये लॉजिक अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, लोड ऑफ 31.4 kg, कुछ लोग लोड को लेके काफी टेंशन में थे कि ये लोड क्या होता है। लोड का मतलब है वेट या फोर्स, ये लोड है। तो इसमें लोड कितना गिवन है, 31.4 kg, ये तो मास है। अगर लोड कैलकुलेट करना है इसके कॉरस्पॉन्डिंगली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेट निकालना पड़ेगा, कितना, m1 into g, ये न्यूटन में आता है लोड, ये लोड है, ठीक। वैसे वर्ड लोड यूज कर देते हैं इसके लिए, पर 9.8 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। तो इतना हमने मास लगाया, रेडियस वायर का पता है, डेंसिटी पता है, फाइंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द वायर। तो मास लगाने से वायर खिंच जाएगी, वायर खिंचेगी तो उसमें वर्क डन होगा, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस वर्क डन का 75% किसमें कन्वर्ट हो गया,
हीट में कन्वर्ट हो गया, और स्पेसिफिक हीट आपको गिवन है, आपको इसमें निकालना है व्हाट इज राइजिंग टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर कितना है। वायर को स्ट्रेच करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, हाफ इंटू फोर सप्लाइड इंटू इंक्रीज इन लेंथ, ये हमने लास्ट टाइम किया था। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर या एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर इसके इक्वल है, ठीक। तो इसमें फोर्स कितनी अप्लाई की, जितना आपने वेट लगाया, वेट कितना लगाया, mg लगाया, तो ये स्टेप भी क्लियर है। तो इतनी एनर्जी उसके अंदर जो है, इतनी एनर्जी उसके पास है जब आपने उसको स्ट्रेच किया, हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल। अब डेल्टा एल क्वेश्चन में गिवन नहीं, इसके बदले में आपको यंग्स मॉडुलस गिवन है, तो यंग्स मॉडुलस इज फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। तो यहां से फोर्स का मतलब वेट mg, एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया, डेल्टा एल। अब क्योंकि आपकी एनर्जी क्या थी, हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल, इस डेल्टा एल को ऊपर से निकाल के नीचे पुट करके आपके पास क्या आ गई, एनर्जी की वैल्यू आ गई। तो ये एनर्जी की वैल्यू आ गई आपके पास, ये एनर्जी या ये अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ा ताकि वायर को क्या कर सके, स्ट्रेच कर सके। पर उसने कहा कि जो भी आपने वर्क डन किया, इसका 75% किसमें कन्वर्ट हो गया, हीट में। आपने कितना वर्क डन किया, यू, इसका आपने क्या निकाल लिया, 75%। तो इसका 75% किसमें कन्वर्ट हो गया, हीट में। तो यू की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर ली। हीट का फॉर्मूला हमने रोटेशनल और ग्रेविटेशन चैप्टर में किया था कि अगर कोई मास एम है, उसकी स्पेसिफिक हीट सी है, और राइज इन टेम्परेचर उसका डेल्टा टी है, तो हीट का फॉर्मूला इज एम एस डेल्टा थीटा या एम सी डेल्टा थीटा। ये शायद आपने केमिस्ट्री में भी शायद अब तक सुन लिया हो, वैसे फिजिक्स में आने वाला है नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में, ये हम करेंगे डिटेल में। तो अभी हीट के लिए याद रखना कि हीट रिक्वायर्ड, हीट का फॉर्मूला जो होता है वो एम सी डेल्टा थीटा होता है, और डेल्टा थीटा राइज इन टेम्परेचर ही आपको निकालना है। तो यहां से स्क्वायर ओपन करके एम से एम क्या हो गया, कैंसिल। आपको डेल्टा थीटा निकालना है, सी स्पेसिफिक हीट गिवन है, एम पता है, जी पता है, एल पता है, वाई पता है और आर पता है। यहां से सॉल्व करके डेल्टा थीटा कैन बी कैलकुलेटेड। तो एक आइडिया क्लियर है कि डेल्टा थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो कौन सी इक्वेशन किसके इक्वल करनी है ये इंपॉर्टेंट है, कौन से फॉर्मूलाज लगाने हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जैसे ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम कर लिया था, ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया था, हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करना है। उससे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव शीट के अंदर ना कुछ उसमें थ्योरी के भी क्वेश्चन थे, कितने लोगों ने ट्राई की थी ऑब्जेक्टिव शीट पहली वाली, हाँ ठीक है, दूसरी तो अभी नहीं हुई होगी, मुश्किल है, पहली वाली कुछ कुछ क्वेश्चन इसी में से ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं सेम टू सेम। तो उसी को देखते हुए कुछ और नोट लिखा मैंने इसमें, मैंने ये आपको याद रखना है, यंग्स मॉडुलस ऑफ अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज इंफिनिटी, क्योंकि यंग्स मॉडुलस होता क्या है, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। जो रिजिड बॉडीज होती हैं वो नॉन इलास्टिक बॉडीज होती है, और रिजिड बॉडीज में डेल्टा एल क्या रहता है, जीरो, वो खींच नहीं सकते उसे। तो अगर डिनोमिनेटर जीरो तो वाई क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक हो गया। सेकेंड पॉइंट है, बल्क मॉडुलस ऑफ अ परफेक्टली रिजिड बॉडीज अगेन इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि डेल्टा वी जनरेट नहीं हो पाएगा रिजिड बॉडीज में, तो ना बल्क मॉडुलस होगा ना यंग मॉडुलस डिफाइंड है। और शेयर मॉडुलस लिक्विड का जीरो, मतलब लिक्विड कभी भी कोई, देखो अगर कोई ये वायर है इसको टेढ़ा किया, शेयर स्ट्रेंथ थीटा हो गया मानते हैं, अब पानी को थोड़ी ना आप टेढ़ा कर सकते हो थीटा एंगल पे, तो ऑब्वियसली थीटा इसमें शेयर मॉडुलस क्या रहेगा, जीरो, इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो रहेगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम, तो एक एंड ये रही रॉड जिसका मास क्या है एम वन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसका ए, आपने रूफ के साथ टांग दिया, और इसके नीचे आपने एक और मास टांग दिया कितना एम टू, एम टू। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द स्ट्रेस एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये आपके पास एक वायर है, ये आपके पास एक मास है, ये इसका वायर का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे बताओ टेंशन क्या होगी, टेंशन क्या होगी, हमने लॉज ऑफ मोशन में किया था, तो यहां पर टेंशन होगी वो इतनी वायर का वेट प्लस इस ब्लॉक का वेट, जो भी भार होगा वेट होगा वो यहां की क्या होगी, टेंशन होगी। तो यहां पे टेंशन क्या होगी,
हाफ वेट ऑफ दिस स्ट्रिंग प्लस वेट ऑफ दी ब्लॉक। मैं टेंशन क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पर क्या निकालना है, और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मुझे स्ट्रेस मिड पॉइंट पे निकालना है तो मुझे टेंशन निकालनी पड़ेगी एट मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट पे टेंशन जो होगी उसको एरिया से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेस आएगा। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? तो इस केस में टेंशन यहां पर क्या होगी, इसका आधा वेट कितना है, m1g डिवाइडेड बाय 2, और इसका वेट कितना है, m2g। तो बोलो टेंशन क्या होगी, वेट ऑफ m2 पूरे का पूरा प्लस हाफ वेट ऑफ रॉड। ये रहा, यहां पे निकालनी है तो हाफ वेट ऑफ रॉड, तो m1g डिवाइडेड बाय 2 प्लस m2g बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसे तो स्ट्रेस आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि स्ट्रेस कैसे निकलेगा इसमें। फिर हमने ये क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था, अगर दो रॉड्स जिनके यंग्स मॉडुलस y1 y2 पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस कैसे निकलेगा। तो मैंने प्रूव करके दिखाया था y क्या था, सीरीज में या पैरेलल में y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से करके दिखाया था, ये किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लीज, इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन देख लिया, ओके okay. कितनों को समझ में आ गया ये, ओके okay. देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ ऐसे गिवन है कि आपको ना एक डिस्क गिवन है, ये डिस्क है, डिस्क का रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। तो डिस्क की लेंथ कितनी है, लेंथ 2π स्मॉल आर है, राइट right? ये लेंथ है। आप क्या चाहते हैं, एक स्टील का रिंग इसके ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, जैसे मिठाई के डिब्बे पे कोई रबर बैंड चढ़ा देते हैं, आप इसके सर्कमफ्रेंस के अबाउट क्या चाहते हैं, एक स्टील का रिंग बिल्कुल इसको टच करता हुआ इसकी बाउंड्री पे आप फिट करना चाहते हैं। तो ये एक स्टील का रिंग है, ये लो, ये मैंने यहां पर इसको फिट कर दिया, ये ब्लू कलर में जो साथ में चल रहा है ये स्टील का रिंग है, ये रहा बाउंड्री पे, ठीक। अब सबको पता है कि इसका रेडियस छोटा आर नहीं हो सकता, इसको थोड़ा सा तो हमें छोटे आर से बड़ा रखना पड़ेगा ताकि एग्जैक्टली इसके ऊपर लिपट जाए। तो इसका रेडियस आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, कैपिटल आर, तो इसकी लेंथ कितनी है, 2π कैपिटल आर। एक्चुअल में कितनी लेंथ पे इसको लपेटना था, 2π स्मॉल आर जो ओरिजिनल लेंथ थी, पर आपको इसको बड़ा करना पड़ा 2π कैपिटल आर। तो बताओ कितना बड़ा करना पड़ा, 2π कैपिटल आर में से क्या माइनस करेंगे, 2π स्मॉल। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो ओरिजिनल लेंथ तो 2π छोटा आर थी, पर अब जो नई लेंथ है वो 2π बड़ा आर माइनस 2π छोटा आर है, कोई डाउट इसमें? ठीक, ये डेल्टा एल आ गया। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें फोर्स निकालनी है जिससे कि स्टील एक्सपैंड करती है, यानी कि टेंशन इन द स्टील रिंग निकालनी है, एक ही बात है, रिंग की टेंशन रिंग की फोर्स एक ही बात है। तो इसके अंदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का कैपिटल ए है, पाई आर स्क्वायर नहीं पुट करना, क्वेश्चन में गिवन है रिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां से कैपिटल ए गिवन है। तो इसमें इंक्रीज इन लेंथ क्या है, 2π बड़ा आर माइनस 2π छोटा आर, y यंग्स मॉडुलस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। तो लेंथ की जगह क्या पुट करेंगे, 2π छोटा आर, डेल्टा एल की जगह क्या पुट करेंगे, 2π बड़ा आर माइनस 2π छोटा आर। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आ जाएगा। मेथड क्लियर है यहां तक, ठीक, क्योंकि आर में बहुत कंफ्यूजन रहती है इसमें, तो
क्वेश्चन अगर सही समझ में आएगा तो आंसर आएगा इसमें। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़े प्लीज, क्या है क्वेश्चन ध्यान से सोचे। देखो इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि दो वॉल्स हैं, ये दो दीवारें हैं, दो रॉड्स हैं, एक L1 लेंथ की एक L2 लेंथ की। इनका यंग्स मॉडुलस डिफरेंट है Y1 Y2, यानी कि ये इलास्टिक मटेरियल है, क्योंकि जिन रॉड्स का वाई गिवन होगा वो रिजिड नहीं होंगी, वो इलास्टिक इन नेचर होंगी, वो बड़ी भी हो सकती हैं और वो कंप्रेस होके छोटी भी हो सकती है। ठीक है ना, इलास्टिक मटेरियल को छोटा भी कर सकते हो, इलास्टिक को बड़ा भी कर सकते हो। तो और α1 α2 भी गिवन है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था α1 α2 होता क्या, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और ये कब यूज करते हैं टर्म, जब हम किसी भी बॉडी को हीट करते हैं और गर्मी से कोई चीज एक्सपैंड होती है तो एक्सपेंशन वर्ड यूज करते हैं। तो α1 α2 कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन उन जगहों पर यूज होता है जहां आप हीट करके किसी भी चीज को गर्म करके एक्सपैंड करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि टू रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड हैविंग सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, दो वॉल्स के बीच में हमने फिट कर दिया और L1 L2 इनकी लेंथ है और α1 α2 कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, Y1 Y2 यंग्स मॉडुलस है, टेम्परेचर ऑफ बोथ रॉड्स आर रेज्ड बाय टी, तो दोनों का टेम्परेचर मैंने टी से बढ़ा दिया, तो एक बात तो पक्की है दोनों के दोनों एक्सपैंड करेंगे। और फाइंड फोर्स एफ विच वन रॉड एक्सर्ट्स ऑन द अदर एट हायर टेम्परेचर, जब जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये टाइट होगी दोनों रॉड्स। अब होगा क्या, अगर मान लो ये इलास्टिक ना होती, मान लो वाई वन वाई टू बिल्कुल जीरो रिजिड है, अब एक्सपेंशन जब होगी जगह तो है नहीं एक्सपैंड होने की, तो अगर जैसे कोई भी बॉडी दो वॉल्स के बीच में है, जगह है नहीं और ये इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑब्वियसली या तो ये बेंड हो जाएगी, जगह तो चाहिए एक्सपैंड होने, या फिर ये टूट जाएगी। आप अगर दो चीजों को अगर एक्सपैंड करते रहोगे, दबाई दोगे, तो फिर अल्टीमेटली ये टूट ही जाएगी। तो ऐसा इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है और ना ही इसने कहा कि ये बेंड हो गई। तो इस केस में हुआ क्या कि अगर गर्मी की वजह से इस पोर्शन ऑफ लेंथ, इस पोर्शन, ये पोर्शन लंबा हो गया भाई 2 सेंटीमीटर और ये बढ़ गया बाय 1 सेंटीमीटर, तो टोटल एक्सपेंशन कितनी होगी, 2 + 1 = 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर की जगह चाहिए इसको एक्सपैंड होने के लिए, जगह तो है नहीं लेकिन, तो होगा क्या, इलास्टिसिटी है इसमें, तो 3 सेंटीमीटर जो जगह चाहिए थी उतना ही ये मटेरियल क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। क्योंकि इलास्टिसिटी सिर्फ एक्सपेंशन नहीं करती, इलास्टिसिटी कंप्रेशन भी करती है। तो 3 सेंटीमीटर मान लो एक्सपैंड होना था लेकिन 3 सेंटीमीटर कंप्रेस हो गया, तभी तो लेंथ जैसी है वैसी की वैसी दिखती है। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब है कि ना ये बढ़ पाया ना ये छोटा हो पाया, क्योंकि जितना बढ़ना चाहता था उतना ही इलास्टिसिटी ने उसे कंप्रेस कर दिया। तो क्वेश्चन ये है,
आप फोर्स निकाल लो, और ऐसा करने में क्या होगा, एक रॉड दूसरी पे क्या कर रही है, टाइट है ना, टाइट हो चुकी है, एक्सपैंड होने की कोशिश कर रही है, फोर्स लगाएगी दोनों आपस में, कितनी फोर्स लगा रही है ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहली चीज एक काम करते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मैंने नोट लिखा हुआ है, हमने लास्ट टाइम भी ये फॉर्मूला किया था कि जो नई लेंथ होती है वो क्या होती है, ओरिजिनल लेंथ जो भी उसकी लेंथ है इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी। यहां पर डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी इज टी क्योंकि इट इज इंक्रीज्ड बाय टी डिग्री सेल्सियस। तो एल डैश माइनस एल का ये फॉर्मूला है, और एल डैश माइनस एल क्या होता है, डेल्टा एल। तो पहली रॉड के लिए, फर्स्ट रॉड के लिए डेल्टा एल क्या होगा, एल वन एल्फा वन और इंक्रीज इन टेम्परेचर टी। सेकेंड रॉड के लिए एल टू एल्फा टू इंक्रीज इन टेम्परेचर टी। तो टोटल एक्सपेंशन कितना होगा, डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू। अब इलास्टिसिटी का अगर कॉन्सेप्ट लगाएं तो इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंगली इतनी ही लेंथ क्या हो जाएगी, इसमें डिक्रीज भी हो जाएगी। ओके, तो इसमें हम बात कर रहे थे कि इंक्रीज इन लेंथ हो गई एक्सपेंशन की वजह से, डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा टू इतना होना चाहिए, पर इलास्टिसिटी की वजह से डिक्रीज इन लेंथ क्या हो जाएगी, क्योंकि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, तो डेल्टा एल एक तरफ बाय एक तरफ, तो फोर्स जो एक दूसरे पे लगेगी, लेंथ एल वन है, यंग मॉडुलस वाई वन है, एरिया ए है। सेकेंड रॉड की कंप्रेशन एक्सपेंशन नहीं, कंप्रेशन कितनी होगी, एफ एल टू और वाई टू एरिया, तो टोटल कंप्रेशन क्या होगी, दोनों को ऐड कर देंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन चाहता है चीज एक्सपैंड हो, इलास्टिसिटी चाहती है कंप्रेस हो, चीज वैसी की वैसी पड़ी हुई है, दोनों को कर देंगे इक्वेट, इक्वेट करके एफ कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आ गया, फिर सिंप्लीफाई करके इक्वेट करके एफ आ जाएगा। वैसे तो ये एडवांस में हुआ क्वेश्चन है, बट पुराना एडवांस है तो अब आज का मेन्स और नीट कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन माना जाता है अब ये। क्लियर है यहाँ तक? देखो ऐसा है, रॉड बेंड नहीं हुई, उतने की उतनी लेंथ की है, तो अगर एक्सपेंशन चाहती है कि ये 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए, तो बढ़ा क्यों नहीं, जगह तो थी नहीं, इसका मतलब अंदर वो उतने अमाउंट से कंप्रेस हो गया ड्यू टू इलास्टिसिटी, तभी लेंथ इतनी दिख रही है। तो एक्सपेंशन इज इक्वल टू कंप्रेशन कर दिया, एक्सपेंशन थर्मल की वजह से है, कंप्रेशन वाई यंग्स मॉडुलस की वजह से है, तो रॉड वैसी की वैसी दिख गई। नहीं, बराबर बराबर कर दी ना, नहीं नहीं बराबर अमाउंट से करोगे तो जितनी है उतनी की उतनी दिखेगी, कम कर देंगे भी गिर जाएगी, लेंथ नॉर्मल से कम करेंगे तो दीवार से टिक नहीं पाएगी, गिर जाएगी, गिरी भी नहीं, इसका मतलब बराबर बराबर हुआ सब कुछ। ठीक ठीक है यहां तक? ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन तो मे बी अब नेक्स्ट वीक से ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब हर टॉपिक ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, तो उसमें जैसे ऑनलाइन भी होगा, ऑनलाइन ही हो नहीं बोला, जो यहाँ टेस्ट चलते हैं वो तो होंगे ही होंगे, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑनलाइन घर पे भी टेस्ट दे सकते हो। तो जैसे इलास्टिसिटी का हमने तैयार किया है, इससे पहले ग्रेविटेशन का भी तैयार है, तो जो आपने संडे टेस्ट दिया वो तो दिया ही दिया, अगर आपको लगता है कि और इम्प्रूवमेंट करना है तो एक और टेस्ट ग्रेविटेशन का आपको ऑनलाइन मिलेगा, अच्छे क्वेश्चन डालने हैं उसमें, आपको चैलेंजेस मिलेंगे उसमें, तो उसमें मान लो 15 या 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आएंगे,
तो ग्रेविटेशन उसी तरीके से इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी का टेस्ट डाल दिया, नेक्स्ट प्रेशर है तो प्रेशर का टेस्ट भी है, जितने टॉपिक होते जाएंगे जो यहाँ टेस्ट होंगे उतने टेस्ट वहाँ भी मिलते जाएंगे, और एंड में फिर फुल सिलेबस टेस्ट है। तो इस तरीके से वो चलता जाएगा और आप घर पे भी प्रैक्टिस करोगे और यहाँ भी प्रैक्टिस करोगे, उसके सोल्यूशन भी साथ के साथ आ जाएंगे जब आप टेस्ट दोगे, तो साथ के साथ हाउ टू सॉल्व इट वो पूरा का पूरा मेथड भी उसमें आ जाएगा, काम खत्म। ठीक, तो ये अगले हफ्ते से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मतलब एक और काम आप के उसमें उसमें रूटीन में ऐड हो गया। ठीक, प्रैक्टिस के लिए ठीक रहेगा। ओके, तो इसमें देखो, जरा देखो, बात बंद करो। तो इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक स्टील की वायर है और एक ब्रास की वायर है, दो मासेज हैं 4 kg और 6 kg। तो इसके अंदर यंग मॉडल्स दोनों का गिवन है आपको, और डायमीटर दोनों वायर्स की गिवन है आपको, इलोंगेशन निकालनी है स्टील और ब्रास की, इलोंगेशन का मतलब डेल्टा एल। तो सबसे पहले स्टील के लिए सॉल्व करते हैं, स्टील की लेंथ कितनी है एल, 1.5। स्टील की वायर का कोई अपना मास नहीं है, वायर्स का कोई मास नहीं है, सिर्फ ब्लॉक्स का मास है। तो यहां पर जो टेंशन होगी वो क्या होगी, इसका वेट प्लस इसका वेट, दोनों का वेट टेंशन प्रोड्यूस करेगी, तो दोनों का वेट कितना है 4 + 6 10 kg, तो टेंशन आ गई। यंग्स मॉडुलस स्टील का गिवन है, डेल्टा एल यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले से निकाल लोगे आंसर आएगा, ठीक, पुट कर लोगे वैल्यूज, एरिया और सब गिवन है। अब सेम चीज जब ब्रास के लिए लगेगी तो लेंथ एल की जगह 1 meter, टेंशन यहां पर कौन प्रोड्यूस करेगा, इसके नीचे का ब्लॉक, ऊपर का नहीं करता, नीचे का कितना 6 kg। यंग्स मॉडुलस गिवन है तो फॉर्मूले में फिर वैल्यू को पुट करके डेल्टा एल कैन बी कैलकुलेटेड। बस इसमें यही बताना था कि टेंशन की वैल्यू ऊपर और नीचे चेंज होगी, और वहां से डेल्टा एल की वैल्यू भी ऊपर नीचे चेंज होगी। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? ठीक ठीक है, और इसके बाद शीट नंबर 108 बल्क मॉडुलस के एग्जांपल्स। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने सारे एग्जांपल्स यंग्स मॉडुलस के लिए किए, अब हम बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस के कुछ कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो इतना ही चैप्टर है बस ये, अगली बार इसका टेस्ट है आपका इलास्टिसिटी का क्लास में, तो सब्जेक्टिव 10 minutes टेस्ट जो क्लास के बाद होता है, पढ़ के आना। मैं वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर पक्का दूंगा, तो पहले ही बता दूं, मैं एक और एक्सप्रेशन डेंसिटी का वो भी दूंगा, आज बता रहा हूँ, तो मतलब बता रहा हूँ मैं कि मैं क्या क्या दूंगा। ठीक, बाकी न्यूमेरिकल भी दूंगा इनमें से, शीट्स में से, तो बता दो दिया पेपर क्या आ रहा है, तो बस पढ़ना ही तो है, पढ़ के पेपर में नंबर लो और क्या चाहिए। तो ठीक, उसके बाद फिर ऑनलाइन टेस्ट देना, फिर उसके बाद फिर ऑफलाइन टेस्ट देना, तो फिर 2 rounds की और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक, ओके, देखो आगे, देखो प्लीज, क्वेश्चन इज कि द प्रेशर ऑफ मीडियम, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, याद दिला दूं कि जो बल्क मॉडुलस है उसका सिंबल के या बी, बल्क मॉडुलस क्या होता था, फोर्स बाय एरिया डेल्टा वी बाय वी, और अगर कोई भी बॉल या कोई भी बॉडी कंप्रेस हो रही है, उसका वॉल्यूम छोटा हो रहा है, पहले से छोटा हो गया, फिर तो साइन माइनस आएगा, लेकिन अगर वो छोटा ना हुआ, बड़ा हो गया वॉल्यूम, फिर माइनस नहीं आएगा। तो अगर यानी कि डेल्टा वी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मींस कि फाइनल वॉल्यूम बड़ा है, फिर तो माइनस नहीं आएगा, लेकिन अगर छोटा हो रहा है वॉल्यूम, तो फिर माइनस साइन आएगा। क्लियर यहां तक? कोई डाउट इसमें? सिस्टम ठीक। तो इस केस में कई बुक्स इसमें नॉर्मली क्या लिखती हैं, माइनस साइन लिखती ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर ये कंप्रेसिबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एग्जांपल है, एक बॉल है, एक बॉल को आप 3 kilometers नीचे किसी ओशन या सी के नीचे ले गए, 3 kilometers बहुत होता है, 3 kilometers पानी के नीचे लेके आओगे, तो पानी हर तरफ से क्या लगाएगा उसके ऊपर, प्रेशर, तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, उसका वॉल्यूम पहले से छोटा हो जाएगा, दबा देगा पानी उसे,
तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी और उसका वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, मास तो चेंज होता नहीं, तो इसीलिए डेल्टा वी नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा वी नेगेटिव आएगा तो जान के नेगेटिव रखा जाता है ताकि आप डेल्टा वी नेगेटिव और नेगेटिव पुट करके, बल्क मॉडुलस नेगेटिव नहीं होता, बल्क मॉडुलस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन जब उसी बॉल को उठा के आप ऊपर लेके आएंगे तो आपका वॉल्यूम कम होने की बजाय बढ़ जाएगा, तो फिर आपको माइनस साइन इसमें नहीं लगाना होगा, क्योंकि फिर तो बल्क मॉडुलस तो इन एनी केस पॉजिटिव ही होता है। तो के कभी नेगेटिव नहीं होता, के पॉजिटिव ही होता है। तो क्योंकि जब वॉल्यूम कम होता है तो डेल्टा वी की टर्म नेगेटिव हो जाती है, तो नेगेटिव नेगेटिव के अफेक्ट को कैंसिल करने के लिए माइनस लगाया जाता है। मैं करके दिखाता हूं जैसे, और कई बुक्स ये भी लिखती हैं, ये भी याद रखना, इसकी जगह चेंज इन प्रेशर लिख देती हैं डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी, या कई बुक सिर्फ प्रेशर लिखती हैं। तो ये कई फॉर्मूलाज हैं बल्क मॉडुलस के, कई रिप्रेजेंटेशंस हैं, कोई भी यूज कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिक्विड, और सिर्फ लिक्विड्स में ही नहीं, बल्क मॉडुलस की एप्लीकेशन गैसेस में भी है। आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, एक सिलेंडर है, गैस को आपने कंप्रेस कर दिया, तो आप उसमें बल्क मॉडुलस यूज नहीं करते, पर फिजिक्स वाले क्या करते हैं, क्योंकि आपने वॉल्यूम को कम कर दिया या वॉल्यूम ज्यादा कर दिया तो बल्क मॉडुलस के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो केमिस्ट्री में आप नो डाउट इक्वेशंस करते होंगे, पीवी इज अ कांस्टेंट आइसोथर्मल, या पीवी रेज टू पावर गामा इज अ कांस्टेंट एडियाबेटिक, सुनी है एडियाबेटिक, नहीं सुनी, कईयों ने सुनी है। वो इक्वेशन कैसे बनी वो शायद आपको नहीं करवाई होंगी, या मुझे पता नहीं करवाते हैं कैसी बनी, नहीं, वो फिजिक्स का काम है कि इक्वेशन बनती कैसे है, और वो बल्क मॉडुलस की हेल्प से बनती है, क्योंकि कोई भी गैस को जब कंप्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम छोटा हो जाएगा। तो बल्क मॉडुलस गैसेस और लिक्विड्स के लिए स्टडी करवाया जाता है, और इसीलिए गैसेस और लिक्विड में स्ट्रेस नहीं बोलते, गैसेस और लिक्विड को न्यूमिनेटर में क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। गैस का प्रेशर होता है, लिक्विड का भी प्रेशर होता है, पर सॉलिड का प्रेशर नहीं होता, सॉलिड का स्ट्रेस होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसलिए ये फॉर्मूला लिखा जाता है। चलो यूज करके देख लेते हैं। जैसे सपोज आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, द प्रेशर ऑफ अ मीडियम इज चेंज्ड फ्रॉम, एक करेक्शन है इसमें, लिखो चेंज्ड फ्रॉम, चेंज्ड फ्रॉम, करेक्शन करो, 1.165 × 10⁵ (1.01 × 10⁵ पास्कल), ये लिखो, चेंज फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, करेक्शन करो उसमें। ठीक है यहां तक? तो देखो, तो प्रेशर इतनी वैल्यू से इतनी वैल्यू में चेंज हो गया, तो फिर ये बताओ कि चेंज इन प्रेशर कितना हुआ, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। ये बताओ कि प्रेशर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, वैल्यू को देखो और बताओ प्रेशर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर कोई बॉल है जिसपे प्रेशर लगा हुआ था और मैंने प्रेशर कम कर दिया, तो बोलो बॉल का वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ जाएगा, वो एक्सपैंड हो जाएगी। जितना ज्यादा प्रेशर बनाओगे चीज कंप्रेस होगी, प्रेशर कम करोगे वही चीज एक्सपैंड होगी, इसका मतलब वॉल्यूम इसमें बढ़ेगा। तो जब मैं बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला इसमें लगाऊंगा, प्रेशर बाय डेल्टा वी बाय वी, मैं माइनस नहीं पुट करूंगा, क्योंकि इसमें डेल्टा वी आपने क्या बताया, क्या हो रहा है, इंक्रीज, समझ में आया? हाँ, अगर ये डिक्रीज हो रहा होता डेल्टा वी, फिर मैं माइनस लगाता, क्योंकि माइनस माइनस का इफेक्ट कैंसिल होना था। क्या ये पॉइंट क्लियर है आता? तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, चेंज इन वॉल्यूम इज 10%, यानी कि आपको चेंज, फ्रैक्शनल चेंज या परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ये रहा 0.1। तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम को ऐसे लिखेंगे ना, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा वी बाय वी इज 0.1। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, बल्क मॉडुलस, तो ठीक है पुट करो वैल्यू। प्रेशर का डिफरेंस तो आपको पता ही है, 1.165 × 10⁵ माइनस 1.01 × 10⁵ डिवाइडेड बाय इसकी जगह 0.1 आंसर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। मेथड क्लियर है? और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रेशर के ही यूनिट्स होते हैं, क्योंकि ये तो आपस में यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, प्रेशर के यूनिट्स क्या रहेंगे, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज 1 एंड दी
सेम थिंग, फोर्स पर यूनिट एरिया को ही पास्कल बोलते हैं। तो ये मेथड क्लियर है कि इसको कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर इसमें। वो एक्चुअली पता नहीं आती ऐसी धक्का ही करते रहती है, पी डेल्टा पी एक ही बात है। एक्चुअल में इसका मतलब होता है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, ये डेल्टा पी ही बनता है वैसे होना। कई लोग पी को चेंज इन प्रेशर बोलते हैं, इसकी वैल्यू नेगेटिव में। हाँ ऐसा होगा ना, मान लो आपने प्रेशर अब क्या किया, कम किया, आपने प्रेशर बढ़ा दिया होता है ना, आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो अब उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो अल्टीमेटली आपको के को पॉजिटिव बनाना है, आप एक जगह अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लो, या तो वी में या पी में। कहने का मतलब पड़ता है, फर्क पड़ता है, अगर मैं डेल्टा पी लिखता हूं और फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल माइनस करता हूं तो फिर उसमें नेगेटिव आता है डेल्टा पी, राइट, नेगेटिव आता है। तो फिर आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा ताकि नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल होगा, फिर वॉल्यूम में नहीं आएगा ना। एक चीज नेगेटिव होती है, देखो एक चीज सुन लो प्लीज, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वो कहता है जी मेरे को तो नेगेटिव लगाना ही लगाना है, चल जी लगा देते हैं, या तो प्रेशर बढ़ेगा या प्रेशर कम होगा। अगर तो प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, और अगर प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम, अगर प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम कम हो गया। अल्टीमेटली तो माइनस साइन उसका अफेक्ट कैंसिल करेगा, या तो न्यूमिनेटर का करेगा या फिर डिनोमिनेटर का करेगा, अल्टीमेटली के पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये है। क्वेश्चन बढ़िया पूछा तुमने, तो इसीलिए कई बुक स्टैंडर्ड फॉर्मूला में माइनस लगाती ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से अफेक्ट तो माइनस कैंसिल करना ही पड़ेगा। ठीक, क्लियर है यहां तक? मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि के पॉजिटिव चाहिए बस, तुमने गलती से गलती भी कर दी तो कोई बात नहीं, उसको माइनस मत शो करना, के पॉजिटिव ही करना। ठीक, पर रूल बुक तो ये कहती है कि माइनस होता है, अफेक्ट कैंसिल होगा। ओके, यहां तक क्लियर है? अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर। ठीक है, एवरेज डेप्थ होती होगी 3000 मीटर, 3 किलोमीटर लंबा होता होगा। कैलकुलेट फ्रैक्शनल कंप्रेशन, फ्रैक्शनल कंप्रेशन क्या होता है, डेल्टा वी बाय वी ऑफ द वॉटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन गिवन दैट बल्क मॉडुलस इज गिवन। अब एक चीज देखो कि अगर आप किसी भी सी के लेवल से या ओशन के लेवल से एच डिस्टेंस नीचे आते हो तो वहां पर पानी आपके ऊपर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। कितना प्रेशर लगाएगा उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है, एच इंटू रो डेंसिटी इंटू जी। ये फॉर्मूला हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ है, अगर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, आज की ये चैप्टर खत्म होने वाला है और जब प्रेशर स्टार्ट होगा आज मैं प्रूव करवाऊंगा कि पानी अगर एच डिस्टेंस तक अगर आप पानी भर देंगे, चाहे अब आप एक बकेट में भर दें, ओशन में भर दें, तो एच डिस्टेंस पे प्रेशर का फॉर्मूला बन जाता है एच इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो जैसे अगर आपको ये लिक्विड गिवन है 3000 मीटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, इतना प्रेशर होगा नीचे जाके, ये फॉर्मूला है आपको लर्न करना है। कैसे आया अभी थोड़ी देर में मैं इसको डिस्कस करूंगा, राइट। तो इतना प्रेशर लगेगा नीचे जाके, और मुझे ये बताना है जब इतना प्रेशर लग गया तो मुझे निकालना है डेल्टा वी बाय वी की वैल्यू कितनी है, और के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, के गिवन है। तो अब ये तो पता लग गया कि फॉर्मूला क्या लगेगा, बल्क मॉडुलस का लगेगा। तो बल्क मॉडुलस के अंदर के का फॉर्मूला लगेगा, प्रेशर जो भी होगा डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी लगेगा। ठीक, तो मेरे को ये वैल्यू निकालनी है इसमें। अब एक चीज देखो कि क्योंकि यहां पर अगर मैं माइनस साइन लगाता भी हूं, एक मिनट, चलो बाय डिफॉल्ट माइनस साइन तो आता ही है, मैं लगा देता हूं माइनस, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को निकालना क्या है, डेल्टा वी बाय वी क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये टर्म आ जाएगी, ये क्लियर है।
प्रेशर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं -3000 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, बल्क मॉडुलस मुझे पता है 2.2 इंटू 10^9, डेंसिटी ऑफ वाटर एसआई सिस्टम में होती है 1000 और जी कितना होता है 10 या 9.8। माइनस साइन के अंदर आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या शो हो रहा है? डेल्टा वी नेगेटिव का मतलब आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि प्रेशर आपने बढ़ा दिया नीचे जाके, आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो आंसर नेगेटिव में छोड़ोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे कर लेंगे ये ज्यादा बेटर है। वो तो कॉम्प्लेक्स पता नहीं क्या कर, तो वही रहे, आपने इसको नोट करना, आप इसको नोट कर ले चाहे, बेटर है, साथ साथ इजी सॉल्यूशन हो जाएंगे, बेटर है। बुक का सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से होता है, अपना सिंपल सॉल्यूशन है, अपने साथ में नोट करना है, आप नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है, और अगर मान लो किसी टीचर ने डालना हुआ तो ज्यादातर यही क्वेश्चन डालता है बल्क मॉडल्स के ऊपर। कंपटीशन में भी ये आया हुआ है एक एक बार, तो बस ये ऑल टाइम फेवरेट है। इसको देखते हैं कैसे करते हैं, है ये आसान, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट यही ज्यादातर देखा गया है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि इफ द नॉर्मल डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1 g/cm³, नॉर्मल डेंसिटी सी वाटर की इतनी है, व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट अ डेप्थ ऑफ 3 km, 3 km नीचे जाके इसकी डेंसिटी क्या होगी? ये क्वेश्चन है, ठीक। तो मुझे एक बात बताओ, डेंसिटी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाएगा, नीचे जाके पानी प्रेशर लगाएगा तो वहां के वॉल्यूम में डिक्रीज आ जाएगा, मास तो चेंज होता नहीं, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो बताना है कितनी डेंसिटी होगी इस डेप्थ पे जाके। कंप्रेसिबिलिटी गिवन है आपको 0.0005 जो भी है, ये आपको कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू गिवन है पर एटमोस्फेयर।
और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको गिवन है। जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस होती है। तो बल्क मॉडुलस क्या होगा, 1 बाय कंप्रेसिबिलिटी, सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आ जाता है एटमॉस्फेयर में। एक एटमॉस्फेयर में 10^6 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करके क्या जाता है बल्क मॉडुलस, सीजीएस सिस्टम में आता है डाइन्स, इतने डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं साइड पे लिख लेता हूं, बल्क मॉडुलस इज सपोज मैंने निकाल लिया 2 × 10^10 डाइन्स पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा, कितने डेप्थ पे गए 3 किलोमीटर, ध्यान आगे प्लीज, कितने डेप्थ पे गए 3 किलोमीटर, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी h रो g से, हाइट इज 3 किलोमीटर, क्योंकि सब कुछ सीजीएस में चल रहा है तो सेंटीमीटर में क्या होगा 3 × 10^5 सेंटीमीटर। डेंसिटी सीजीएस में क्या होती है लिक्विड की 1 और g क्या होता है 980। क्लियर है, तो सीजीएस में प्रेशर आ गया, तो प्रेशर मल्टीप्लाई करके आ रहा है 294 × 10^6 डाइन्स पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। प्रेशर आ गया, कोई डाउट इसमें? आपको इसमें नई डेंसिटी निकाल ली है। एक स्टेप ध्यान से देखना, जो मास है उस सॉल्यूशन को नहीं देखेंगे, ये देखेंगे मास की वैल्यू क्या रहेगी ऊपर और डेप्थ पे जाके से, मास तो चेंज नहीं होता। मास क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मान लो सरफेस के ऊपर वॉल्यूम लिक्विड का वी था और डेंसिटी रो थी, और नीचे जाके कितना वॉल्यूम हो गया वी डैश और डेंसिटी कितनी हो गई रो डैश, और सरफेस के ऊपर नॉर्मल डेंसिटी कितनी होती है लिक्विड की 1। तो ये टर्म आ गई आपके पास, आपको क्या निकालना है इसमें रो डैश। ठीक, एक काम करेंगे, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएंगे, के इज माइनस पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी, यानी कि माइनस पी वी बाय डेल्टा वी, या डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस पी वी डिवाइडेड बाय के। राइट, डेल्टा वी क्या क्या लिखा जा सकता है, वी डैश माइनस वी चेंज इन वॉल्यूम माइनस पी वी डिवाइडेड बाय के। तो वी डैश की वैल्यू क्या आ गई, वी राइट साइड पे चला गया 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय के, वी डैश आ गया। ठीक, इस वी डैश की वैल्यू को मैं यहां पुट करने वाला हूं, तो देखो क्या आएगा, वी इंटू 1 इज इक्वल टू वी डैश की जगह वी इंटू 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय के इंटू रो डैश। वी से वी क्या हो गया कैंसल, तो रो डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय के। तो यहां से आपके पास प्रेशर पता है और बल्क मॉडुलस पता है, सॉल्व करके रो डैश कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो ये नोट करना है, तो ये नोट करो, ये सब क्रॉस कर दो, इसमें गलती है दोनों सॉल्यूशन में, यहां खाली जगह है यहां पर नोट कर लो सारा, यहां पर कर सकते हो। वैसे कई बुक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी याद करवाती हैं, देख लो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, चलो वो मैं बाद में बता दूंगा, पहले अब यहीं तक नोट करो, जगह नहीं है मेरे पास अभी, अब यही करो।
कि आपको k पता है p पता है, मास कांस्टेंट रहेगा ऊपर भी और नीचे जाके डेप्थ पे भी, तो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सरफेस के ऊपर डेंसिटी लिक्विड की 1 है, नई डेंसिटी निकालनी है, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिखा, डेल्टा वी निकाला, डेल्टा वी इज वी डैश माइनस वी, तो यहां से वी डैश निकाल लिया, इस वी डैश को यहां पुट कर लिया, वी से वी क्या हो गया कैंसिल, आंसर आ गया। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक आगे देखो प्लीज। नेक्स्ट इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो जब आप एक किसी भी रबर बैंड को या इलास्टिक मटेरियल को खींचते हो तो उसको टाइम लगेगा, डिले लगेगा उसको वापस आने में, उस इफेक्ट को इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिक फटीग। इसका मतलब कि अगर आप एक रबर बैंड को खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, वो खींच खींच के अपनी इलास्टिसिटी लूज ही कर जाएगा, इसका मतलब इलास्टिक फटीक हो गई उसकी। नेक्स्ट है आपको बल्क मॉडुलस निकालना है, किसका, वाटर का। इनिशियल वॉल्यूम वाटर का गिवन है, प्रेशर गिवन है, फाइनल वॉल्यूम गिवन है। ठीक, इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, फाइनल वॉल्यूम गिवन है।
तो प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर है, तो आपको पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 1.013 × 10^5 प्रेशर, ये प्रेशर की वैल्यू आ गई। इनिशियल वॉल्यूम 100, जो 100 लीटर है 10^-3 मीटर क्यूब में। फाइनल वॉल्यूम जो है 100.5 लीटर है मीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डेल्टा वी की वैल्यू आपके पास आ गई। तो बल्क मॉडल्स के फॉर्मूले में प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाय वी इनिशियल जो भी था इनिशियल होगा, क्योंकि जब फ्रैक्शनल चेंज निकलता है तो वी इनिशियल पुट करते हैं। तो आपको प्रेशर पता है, आपको फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पता है, यहां से आपके पास बल्क मॉडल्स की वैल्यू आएगी। क्लियर है यहां तक? इसमें मैं माइनस लगाया ही नहीं, क्योंकि प्रेशर गिवन है तो इसका मतलब, और प्रेशर का मैग्नीट्यूड गिवन है तो मैं के को पॉजिटिव लाना चाहता था, तो मैंने के को पॉजिटिव ला दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, इसके अंदर शेयर मॉडल्स का एग्जाम्पल है। शेयर मॉडल्स के एग्जाम्पल में देखो, शेयर मॉडल्स के एग्जाम्पल में देयर इज अ क्यूब, ध्यान आगे प्लीज, अ क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ ईच साइड 4 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, हम यहां पर एक क्यूब बनाते हैं। ये आपका एक क्यूब है, ठीक। साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये साइड 4 सेंटीमीटर का क्यूब है। आपने इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाई, तो क्यूब वायर्स का बना हुआ है, सॉलिड कुछ ऐसा नहीं है। तो क्यूब क्योंकि वायर्स का बना हुआ है तो ये थोड़ा सा बेंड हो गया राइट की तरफ, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे ऐसे, कुछ इस तरीके से बेंड हो गया, ठीक। तो ये शेयर स्ट्रेन का एग्जांपल है। कितना बेंड हो गया बाय एन एंगल ऑफ थीटा, कितना शिफ्ट होगी ये लेंथ एक्स, ठीक है आता? तो इसके अंदर वो कह रहा है कि दी शेयरिंग फोर्स है, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स है, दी टॉप फेस ऑफ द क्यूब इज शेयर्ड थ्रू, एक्स की वैल्यू गिवन है 0.012, ये गिवन है। तो शेयर थ्रू का मतलब इतना ज्यादा बेंड हो गया विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम फेस, बॉटम फेस फिक्स्ड है। फाइंड द शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, जो शेयर स्ट्रेन होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल, एंगल क्योंकि स्मॉल है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर, टैन थीटा इज दिस बाय दिस। तो एक्स कितना है, 0.012 बाय 4 सेंटीमीटर, क्योंकि एंगल स्मॉल है तो टैन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, एंगल जब स्मॉल होते हैं तो टैन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा, 0.003 रेडियन। तो ये डायग्राम बना ले प्लीज, डायग्राम बना के तो नहीं दिया पर बना लेना चाहिए, तो ये डायग्राम साथ बना ले प्लीज।
ओके देखो तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्या निकालना है, शेयरिंग स्ट्रेन के बाद शेयरिंग स्ट्रेस। अब मुझे एक चीज बताओ कि जो शेयर स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस या फिर इस तरीके से करते हैं कि एरिया आपको पता है इसका 4 का स्क्वायर एरिया, राइट। तो इसमें एंड में ये ईटा गिवन है, ईटा ईटा मैंने बताया था, ईटा क्या होता है, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी या इलास्टिसिटी, तो इसको बोलते हैं मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी। ये होता क्या है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ऐसे ही था। तो क्योंकि अगले पार्ट में क्या निकालना है, स्ट्रेस, तो इसकी जगह स्ट्रेस वर्ड लिख लेता हूं। तो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस विल बी इक्वल टू ईटा इनटू कितना, थीटा। थीटा हमारे पास है, ईटा हमारे पास है, मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा। तो ये पार्ट भी क्लियर है। फिर क्योंकि स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस होता क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस तो हमने ऊपर से निकाल लिया, एरिया क्या होगा, 4 का स्क्वायर, क्योंकि साइड कितनी है इसकी स्क्वायर की, 4, 4 का स्क्वायर एरिया, तो फोर्स वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। तो यही इसमें शेयर स्ट्रेन पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट इज अफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, फॉर एनसीईआरटी लिखो, मैं पेपर में दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन कंप्रेशन या अफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देखो एक बात बताओ कि अफेक्ट ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब मैं किसी चीज को कंप्रेस करने वाला हूं ऑन डेंसिटी, तो बोलो डेंसिटी बढ़ने वाली है कि कम होने वाली है, बढ़ने वाली है। जब चीज को कंप्रेस कर दूंगा तो मास तो रिमेन सेम, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो आपको बताने की नई डेंसिटी कितनी है, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो भी बता रहा था कि मैं वो ओशन के नीचे गए और डेंसिटी नई निकालो, सेम है, करने का स्टाइल डिफरेंट है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो है, तो डेंसिटी होती क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। हम दोनों साइड्स का लॉग ले लेते हैं, तो लॉग ऑफ रो, लॉग ए अपॉन लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए बाई बी क्या होता है, लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ वी, यही लॉग की प्रॉपर्टी है। इसे अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 1 बाय रो इंटू डी रो हो जाएगा, मास कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगी, माइनस 1 बाय वी इंटू डी वी हो जाएगा। तो ये आपके पास फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी और फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। स्मॉल चेंज इन डेंसिटी या टोटल चेंज के लिए डेल्टा यूज कर सकते हैं, डेल्टा रो बाय रो माइनस डेल्टा वी बाय वी, इसको बॉक्स में डालो, इक्वेशन नंबर 1 लिखो, बॉक्स में डालो इक्वेशन नंबर 1 लिखो, डेल्टा रो बाय रो इज माइनस डेल्टा वी बाय वी, इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। अब नेक्स्ट जो बल्क मॉडुलस होता है, इधर देखो, अब नेक्स्ट जो बल्क मॉडुलस होता है के, वो क्या होता है, डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर बाय डेल्टा वी बाय वी। बल्क मॉडुलस को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डेल्टा वी बाय वी इज डेल्टा पी डिवाइडेड बाय के क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस साइन मिसिंग है, यहां माइनस भी लगाओ या माइनस लगाओ, तो यहां आएगा माइनस डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू कितना, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय के, इसे बॉक्स में डालो, इक्वेशन नंबर 2 करो, या माइनस लगा के, पहले तो यहां माइनस लगाओ और फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दो जैसे बोर्ड पे लिखा मैंने, ठीक है। अब एक चीज चेक करो, माइनस डेल्टा बाय वी बाय वी माइनस डेल्टा वी बाय वी, तो यानी कि ये टर्म इसके इक्वल है, मींस डेल्टा रो बाय रो इज डेल्टा पी बाय के, इक्वेट कर ले इन्हें, दो इक्वेशंस को इक्वेट कर लिया, कोई डाउट इसमें। इसके अंदर जो नेक्स्ट पेज है ना, वो गलती से उल्टी नंबरिंग हो गई, पेज नंबर 5 को लिखो पेज नंबर 4 और 4 वाले को लिखो पेज नंबर 5, रिवर्स करो, ये पेज नंबर 4 है आपका नेक्स्ट, ठीक। सीक्वेंस ध्यान से लिख देख लेना, तो उसमें ध्यान से करना कि पेज नंबरिंग थोड़ी उल्टी हो गई इसमें, ठीक है। अब देखो
एक बात बताओ, डेल्टा रो को क्या लिख सकते हैं? रो डैश माइनस रो, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय के, रो डैश बाय रो माइनस वन इज डेल्टा पी डिवाइडेड बाय के, या फिर रो डैश बाय रो इज इक्वल टू वन प्लस डेल्टा पी बाय के। तो यहां से रो डैश की वैल्यू आएगी रो वन प्लस डेल्टा पी बाय के। तो ये आपका सॉल्व करके फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूले को बॉक्स में डाल लो और ये सीधा न्यूमेरिकल्स में काम आएगा कि जो नई डेंसिटी है वो पुरानी डेंसिटी ओरिजिनल डेंसिटी इंटू वन प्लस डेल्टा पी बाय के इक्वल आएगा। ठीक, डाल लिया। आपको एक क्वेश्चन करवाया था थोड़ी देर पहले जिसका बोर्ड पे सॉल्यूशन दिया था, जो बड़ा फेमस क्वेश्चन है बल्क मॉडुलस का। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगा लो। डेंसिटी वाटर की वन गिवन थी, उसमें बल्क मॉडुलस पता है, प्रेशर पता है, चलो जी आंसर आ गया। ज्यादा इजी है, फॉर्मूला लगा के आंसर आता था उसका, राइट? चेक कर लो, सेम ही क्वेश्चन है, ये ज्यादा आसान हो गया। इतना लंबा की जरूरत नहीं है, उसकी जगह ये ज्यादा बेटर है, राइट? आसान हो गया, और आसान हो गया। वन बाय बल्क मॉडुलस को क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो यहां पर सी पुट करके कंप्रेसिबिलिटी की फॉर्म में आंसर आ गया। याद क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट जो है इसमें, नेक्स्ट इज अ रेशियो विच इज नोन एज पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो ये केमिस्ट्री वाली पॉइजन्स रेशियो नहीं है, ये कोई और पॉइजन है जिसने कुछ और ही काम किया है, केमिस्ट्री वाला नहीं है ये। ये एज्यूम करता है, पॉइजन्स रेशियो में हम ये करेंगे, अगर आपके पास एक वायर है, आप वायर को खींचते हो, लंबा करते हो, तो इसमें डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ आती है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल, जिसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हो। हमने अभी तक यह माना कि लेंथ को तो हमने खींच दिया, वायर पतली भी तो हो जाती होगी खींच खींच के, हमने वो इफेक्ट ही नहीं लिया। हमने कहा बस लेंथ चेंज होगी, लेंथ चेंज होगी, रेडियस भी तो चेंज हो गया। तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो रेडियस डिक्रीज हो रहा है या डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, राइट? ठीक, तो अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो रेडियस या डायमीटर डिक्रीज हो रहा है। तो स्ट्रेन दो किस्म के हैं, एक लेंथ में स्ट्रेन है और दूसरा डायमीटर में भी स्ट्रेन है। तो अगर दोनों के इफेक्ट को लें और दोनों की रेशियो को डिवाइड करें, डेल्टा डी बाय डी, डेल्टा एल बाय एल, तो अगर लेंथ में स्ट्रेन बढ़ रहा है तो डायमीटर में स्ट्रेन पक्का कम हो रहा होगा, बिकॉज लेंथ बढ़ने से डायमीटर कम होता है। तो साइन क्या आएगा? माइनस, क्योंकि एक इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। इनकी रेशियो को बोलते हैं सिग्मा, पॉइसन रेशियो। इस स्ट्रेन को, जो डायमीटर का स्ट्रेन है, इसको बोला जाता है लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, और इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो फॉर्मूला याद करो, सिग्मा पॉइसन रेशियो इज लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज माइनस डेल्टा डी बाय डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। तो ये फॉर्मूला है इसका, राइट? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? माइनस साइन, अगर आप लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा टी नेगेटिव है, तो इसलिए माइनस आता है। एक चीज बढ़ेगी तो एक कम होएगी, तो माइनस इफेक्ट ये शो करेगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 17th सॉल्व किया गया, एक बार पढ़ना इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा। 17th प्रॉब्लम देखो, फाइंड द पॉइसन रेशियो ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ वायर हुज वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट अंडर द एक्सटर्नल नॉर्मल स्ट्रेस। तो एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसका वॉल्यूम क्या लेने को कह रहा है? कॉन्स्टेंट। ठीक, इसका मुझे सिग्मा निकालना है, पॉइसन रेशियो निकालनी है। तो पॉइसन रेशियो होती क्या है? माइनस डेल्टा डी बाय डी डिवाइडेड बाय डेल्टा, ये मुझे निकालना है, राइट? वॉल्यूम किसी भी सिलेंड्रिकल वायर की होती क्या है? पाई आर स्क्वायर एल। डायमीटर की फॉर्म में पाई इनटू डायमीटर बाय टू का होल स्क्वायर एल, या फिर पाई इनटू डायमीटर का स्क्वायर बाय फोर टाइम्स एल। ठीक है यहां तक?
अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं दोनों साइड्स को, dl से डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी बाई डी एल डी बाई डी एल पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एल, तो यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, जीरो, क्योंकि उसने बोला v इज अ कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो इज इक्वल टू पाई बाय 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, d बाय डी एल ऑफ डी स्क्वायर इंटू एल बच गया, रादर पाई बाय 4 भी जीरो से कट गया, ये u इंटू v का फॉर्मूला फॉलो करेगा, तो u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर इंटू डी एल बाय डी एल प्लस एल इंटू डी बाय डी एल ऑफ डी का स्क्वायर, यही u इंटू v का फॉर्मूला है। सॉल्यूशन को ना देखें, पता नहीं कैसे किया हुआ है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इसमें जीरो इज इक्वल टू डी स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, वन प्लस एल इंटू टू इंटू डी ऑफ डी बाय डी एल, तो इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो टू इंटू डी डी डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाय एल हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू टू एल डी डिफरेंशिएशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू एल, डी से एक डी भी गया, एक और काम करते हैं इसमें, डी एल बाय एल क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, टू इंटू डी डी बाय डी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई, तो यहां से एक और काम करेंगे इसमें, डी डी बाय डी बाय डी एल बाय एल इसको डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा, हाफ हाफ, इस माइनस को इधर ले जाते हैं, ये डेफिनेशन किसकी है, पॉइसन्स रेशियो की, तो पॉइसन रेशियो कितना आ गया, 0.5, लिखना है तो लिख लो, वो सॉल्यूशन पता नहीं क्या है, वो ऐसे लिख लो, ये पॉइसन रेशियो है। मेथड समझ में आ रहा है, यहां तक कुछ नहीं किया, डिफरेंशिएट किया, करेंगे दो मिनट रो, दो मिनट तो करेंगे, यहां तक क्लियर है, फिर आगे से एक शॉर्टकट भी सुन लो, शॉर्टकट ये है कि अगर वायर का वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, उसकी पॉइसन रेशियो हाफ आती है, टिक, कुछ और आ ही नहीं सकती, करके क्या करोगे ऑब्जेक्टिव में, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन का रिजल्ट ही हाफ आता है, तो बुक्स में शॉर्टकट लिखा हुआ है, आंसर इज हाफ, तो याद ही करेंगे, सीधा टिक मार्क करेंगे, कौन करेगा इतना बड़ा सॉल्व, वो तो चलो अपने रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि ऐसे है, आपको करना नहीं है वैसे, ये करवा के देखेगा भी कोई नहीं आपसे ये कोई, ठीक, तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव में मार्क कर देंगे, ये मेडिकल में आता है ऑब्जेक्टिव, ऐसा इस टाइप के जो चीजें है ना, जो याद करके लिखने टाइप है कि चलो ये इसका वैल्यू ऐसा होता है, तो ये मेडिकल में जाया चलता है, नॉन मेडिकल में तो देख ही लिया, मैं पेपर देता हूँ सॉल्व करने के लिए, तो उसमें तो पूरा ठीक ठाक दिमाग लगता ही है, मेडिकल का इजी आता है पेपर थोड़ा। मतलब कम से कम मेडिकल में तो ये प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, ये बात पक्की है।
ओके देखो इसके बाद आपको ऊपर वाले पेज पे जाना पड़ेगा क्योंकि अब कॉन्टिन्यूटी ऊपर से बन रही है, तो ये 0.5 है। वैसे इसका मेडिकल में कभी कभी ये क्वेश्चन भी आते हैं कि थ्योरेटिकल वैल्यू बताओ पॉइसन रेशियो की क्या होती है, आपने याद करनी है -1 से 0.5 के बीच में, और जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है इसकी वैल्यू आती है 0 और 0.5 के बीच में। तो ये आप दो वैल्यूज याद रखेंगे। ये मैंने बता दिया पॉइसन रेशियो अगर 0.5 है इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0 है, अभी मैंने प्रूव किया। लेकिन अगर 0.4 है तो फिर चेंज इन वॉल्यूम उस क्वेश्चन में 0 नहीं होगा, ये पता होना चाहिए, हो सकता है ये फैक्ट काम आए। मेडिकल वालों को एक क्वेश्चन और आया हुआ है टोटली याद करने वाला, इसके प्रूफ कुछ नहीं है, मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है, कि अगर मान लो एक वायर का यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस भी है, एक्सपैंड भी हो रहा है वॉल्यूम वाइज, लेंथ वाइज भी है और सिग्मा भी है, तो फिर उसका ये रिलेशन है आपस में। अगर मान लो यंग्स मॉडुलस है, रिजिडिटी शेयर मॉडुलस है और पॉइसन रेशियो है, तो ये फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन यंग्स रिजिडिटी एंड के, ये फॉर्मूला और ऐसी ये लास्ट फॉर्मूला। इनमें से इधर टिक मार्क करने को ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो कोई भी फॉर्मूला एक बार नजर मार लेना, तो ये कहां से आया ये हमने करना नहीं है। राइट, तो यहां तक क्लियर है। एक ऑब्जेक्टिव शीट दी थी, शीट का नंबर क्या था बताना, 44 एंड 45, यही थी 46। 44 शीट के अंदर आप ये बताओ कि कितने लोगों ने ट्राई की और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक कितने लोगों को डाउट है। फोर्थ क्वेश्चन गलत है, ये इसका आंसर नहीं आएगा आपसे, उसका रीजन बता देता हूं क्यों। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसे पता लग रहा है कि आप ट्राई करके आए हो। देखो फोर्थ जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको ये गिवन है, एक स्टील वायर है जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है, लेंथ आपको गिवन है एंड मास ऑफ वायर आपको क्वेश्चन में गिवन है 15.6 × 10⁻³ kg, एक्सटेंड्स बाय डेल्टा एल गिवन है एंड वेट नीचे लोड लगा हुआ है 8 kg का, 8 kg × 9.8 इतने न्यूटन्स का वेट आ गया। आपको इसमें निकालना है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि जो वायर है ना उसका खुद का मास भी गिवन है और नीचे 8 kg का ब्लॉक भी लगा हुआ है, तो इसका मास पता है, इसका मास एम डैश है, एम डैश पता है और इसका मास अलग से पता है। अब हमें ना एरिया नहीं पता, हमें काम करेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होता है, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, मास बाय मास ऑफ वायर डिवाइडेड बाय डेंसिटी एरिया इनटू लेंथ, गिवन 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 एरिया जाएगा। एरिया पुट कर लेंगे, डेल्टा एल पता है, फोर्स क्या पुट करेंगे, फोर्स पुट करेंगे दोनों वायर का मास और ब्लॉक का मास, दोनों के मास m प्लस m डैश इनटू कितना जी। लेंथ क्या लेंगे, ये लेंथ नहीं लेंगे क्योंकि सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा इसका और इसका, वो जो डिस्टेंस आएगा वो लेंथ यहां पे पुट करना पड़ेगा। आंसर नहीं आ रहा, बट आपको पहले सेंटर ऑफ मास ढूंढ के l निकालना पड़ेगा तब क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसलिए ये गलत ये आ नहीं रहा। ठीक है यहां तक, तो एक आइडिया क्लियर है कि जब दोनों मासेस, मैंने लास्ट टाइम बताया भी था अगर वायर का मास और ब्लॉक का मास है तो दोनों मासेस लेने पड़ते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 में से 9th, 6th देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको यह गिवन है ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द मटेरियल ताकि वो ओन वेट से टूट जाए। आपको याद होगा
मैंने ये लास्ट टाइम ओन वेट वाला भी आपको बताया था कि इसमें क्या पुट करेंगे, वेट ऑफ वायर, ठीक, वेट ऑफ वायर। वेट ऑफ वायर में यहां पर अगर मैं मैक्सिमम स्ट्रेस पुट करता हूं तो वेट क्या होता है, एम इंटू जी बाय एरिया। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी बाय एरिया, राइट। और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। ये मैं लास्ट टाइम क्वेश्चन करवाया था, अगर मैक्सिमम स्ट्रेस है तो लेंथ भी मैक्सिमम है। ये शीट का ही क्वेश्चन है मेरे को लगता है ऐसा कुछ क्वेश्चन, ठीक। तो मैक्सिमम लेंथ निकालो कि अपनी वेट से वो खिंच जाए, शीट में करवाया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 9th में भी शायद आंसर मेरे ख्याल से यंग्स मॉडुलस मिसिंग है शायद, एक नहीं, एक यंग्स मॉडुलस तीन गिवन है, तीनों गिवन है। तो आंसर इसमें तो डेल्टा एल ए बी का निकालना है, बी सी का और सी डी का, फिर तीनों को ऐड कर देना है। ऐसे किया था, नहीं, आपको तीनों का लेना है, डेल्टा एल ए बी का, डेल्टा एल बी सी का, डेल्टा एल सी डी का, तीनों को ऐड करना है फिर आंसर आएगा। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, ये बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें से एक और कोई पूछो डाउट। 10th, 10th मैं नहीं कर पाऊंगा, 10th तो मैंने आपको शीट में डाल तो दिया। एक पत्थर सर्कल में घूम रहा है कॉनिकल पेंडुलम की तरह, लास्ट टाइम क्लास में हुआ ये वही क्वेश्चन था, चेक करो, शीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11th शीट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12th शीट का क्वेश्चन है, आज हीट वाला क्वेश्चन करवाया। क्वेश्चन नंबर और पूछो, कौन सा, 13th, व्हेन अ मेटल वायर एलोंगेट्स बाय हैंगिंग अ लोड एम जी ऑन इट, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास एम डिक्रीजेज बाय एम जी एल, द एनर्जी अपियर्स हाफ पोटेंशियल हाफ थर्मल। वायर गर्म भी हो जाती है जब वो खींचती है, तो वायर गर्म भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक। मतलब ये हमें लगती नहीं पर हीटिंग इफेक्ट होता है इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 18th शीट का क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर्ड। हमने किया था ये भी क्वेश्चन कि एनर्जी स्टोर्ड में U इज इक्वल टू हाफ इन टू स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई इन टू वॉल्यूम। अगर आपको याद हो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का ये फॉर्मूला था, स्ट्रेस में पुट कर लेना फॉर्मूला, एम जी डिवाइडेड बाय ए, इसका होल स्क्वायर आंसर आ जाएगा। स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया, शीट का ही क्वेश्चन है ये भी। वैसे शीट रिवाइज करके ही क्वेश्चन करें प्लीज, डाउट्स कम आएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा, ठीक ठीक है, मैं इसको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा इसके सॉल्यूशन, किसी को देखने हो तो आप उस शीट में से देख लेना। नेक्स्ट शीट जो है उसके सॉल्यूशन में डालूंगा, वो देख के ही अगली बार डाउट पूछना, उसमें ट्रिक्स हैं थोड़े बहुत एक दो, वो स्टेप बहुत ध्यान से पढ़ना, तब डाउट पूछना तो टाइम खराब होगा। अभी जाना नहीं है, प्रेशर के 3 पॉइंट्स बताने हैं, उसके बाद जाना है।